देखिए, आज हम घूर्णन गति में जड़त्व घूर्ण को कर रहे हैं। बच्चों, तुम्हें मालूम है कि रैखिक गति में वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहती है, गतिशील है तो गतिशील रहती है, जब तक मैं उसके ऊपर बाह्य गुण, बाह्य बल नहीं लगाता। वस्तु का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, वह जड़त्व कहलाता है। इन द सेम मैनर, यदि वस्तु घूर्णन गति कर रही है अथवा है, वह है उसी अवस्था में रहना चाहती है तक उस पर बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाया जाता। देखिए, वस्तु अब घूर्णन गति कर रही है, वह अगर घूर्णन गति कर रही है तो उसी में रहना करना चाहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, जब तक मैं उसके ऊपर बाह्य बल अघूर्ण नहीं लगाता। तो वस्तु का घूर्णन गति में घूर्णन गति में तो जड़त्व का होता है, वह जड़त्व आघूर्ण से मापा जाता। देखिए, जैसे रैखिक गति में वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, वैसे घूर्णन गति में वस्तु गति घूर्णन गति कर रही है तो उसी घूर्णन गति को करता रहना चाहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी। वस्तु के इस जड़त्व का मापन हम जड़त्व आघूर्ण से करते हैं। तो मान लीजिए, और इसे I इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर डैश डैश एम एन आर एन स्क्वायर, या I इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर I इक्वल टू वन टू एन ले लेते हैं, इससे हम करते हैं। तो मान लीजिए, ये एक कोई वस्तु है, ये घूर्णन अक्ष है, यहाँ पर बहुत सारे कैसे हैं, द्रव्यमान है। यहाँ पर मैंने ये द्रव्यमान कितने ले लिए, एम वन एम टू एम थ्री, ऐसा करते करते एम एन ले लिए।
दूरी आर वन, इसकी दूरी आर टू, इसकी दूरी आर थ्री, इसकी दूरी आर है। तो इन सबका जो गणजरत्व आघूर्ण आएगा वो हम सिग्मा एम आर इस करते कैलकुलेट कर ले। तो सिग्मा एम आर स्क्वायर मेरे को एक ऐसी उत्तर राशि बताता है जो वस्तु घूर्णन अवस्था में है तो घूर्णन अवस्था में रहती है गति से, और अगर रेस्ट में या विश्राम में है तो विश्राम में ही रहती है और उस अवस्था का विरोध करती है। इसका मापन जिस क्वांटिटी से हो रहा है वह जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, अगर मैं हो तो देखूं तो वस्तु का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, और वन द्रव्यमानों के द्रव्य मानों पर दूसरा द्रव्यमान के वितरण पर नंबर थर्ड द्रव्यमानों की घूर्णन अक्ष से दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, आप देखिए जो गन्ने की मशीन या साइकिल आप देखिए, तो साइकिल का मेरे पास जो चक्का होता है उसको बड़ा बना दिया जाता है, ठीक है, और पूरा का पूरा द्रव्यमान यहाँ पर होता है। ऐसा करने से क्या होता है, साइकिल की द्रव्यमान की घूर्णन अक्ष से दूरी बढ़ जाती है, यानी आई इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर का मान कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसके वो तो बढ़ जाने से क्या होता है, आपके पास अगर साइकिल को आप चला रहे हैं तो चलाते समय आपको ज़्यादा बल आघूर्ण लगाना होता है, लेकिन अगर आपने एक बार लगा दिया तो ये चक्का कैसा होगा, खूब देर तक चलता रहता है, चल आगे होता बढ़ता रहेगा, जो अवस्था परिवर्तन का या घूर्णन से रेस्ट में आने का विरोध करेगा। इस राशि का मान कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हो तो बढ़ जाने से क्या होता है, स्टार्टिंग में तो आपको चलाने में ताकत लगती है, ज़्यादा बल आघूर्ण लगाना रहता है, लेकिन एक बार अगर लगा दिया तो ये काफ़ी दूर तक आगे बढ़ता जाता है, ये मेरे पास जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। तो आप देखिए मैं यहाँ पर एक नई टर्म को डिफाइन करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ कि घूर्णन त्रिज्या, इसको मैं हमेशा के से शो करता हूँ, ठीक। यह है किसी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र घूर्णन अक्ष से वह दूरी जिसका जड़त्व आघूर्ण समस्त कणों के जड़त्व
आघूर्णों के योग फल के मान के बराबर होता तो देखिए, मैंने आपको तो बताया था द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। द्रव्यमान केंद्र किसी वस्तु का वह बिंदु होता है जहां पर कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित कहलाता है। तो मेरे पास क्या हो गया, मान लीजिए मैंने कोई वस्तु ली, ठीक है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र का जो जड़त्व है ना, जो जड़त्व आघूर्ण है, वो संपूर्ण कणों के जड़त्व आघूर्ण के मान के बराबर होगा। तो वह दूरी ठीक हमारे पास क्या कहलाएगी, घूर्णन त्रिज्या के मान के बराबर कहलाती है। तो इसको तो देखिए मैं ऐसा करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये मान लीजिए मेरे पास ये कोई वस्तु है, ये घूर्णन अक्ष है, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे द्रव्यमान है, यहाँ पर द्रव्यमान M1, इसकी दूरी R1, यहाँ पर मान लीजिए M2, द्रव्यमान दूरी R2, ऐसे N कण है, इसकी दूरी RN है। मैं इस वस्तु पर एक ऐसा बिंदु ले लेता हूँ जिस पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान कैसा हो गया, केंद्रित मान लिया, तो इसको मैं द्रव्यमान केंद्र बोल देता हूँ। और इसके बीच की यहाँ से दूरी के बराबर होती है, और इसके लिए मेरे पास एम कितने के बराबर हो गया, का द्रव्यमान के बराबर हो गया, ठीक। तो मेरे पास कैसा होगा, इसलिए द्रव्यमान केंद्र का जड़त्व आघूर्ण ये हो गया कितने के बराबर, आई, तो आई कितने के इक्वल हो गया, एम ए स्क्वायर, ठीक है। हमने मान लिया कि ये वस्तु का द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर पी पर है, ठीक, और यहाँ पर एम इसका द्रव्यमान है, इसका जड़त्व आघूर्ण है। बट आप देखिए आपके पास आई इक्वल टू कितना है, यहाँ पर M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर डैश डैश MN RN स्क्वायर, ये कितने के बराबर हो जाएगा, एम के स्क्वायर, मेरे पास कितना जाएगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर डैश डैश MN RN स्क्वायर। तो मैंने ये मान लिया कि इस बिंदु का जड़त्व आघूर्ण समस्त वस्तु समस्त कणों के जड़त्व आघूर्ण के मान के बराबर है। तो देखिए मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट, अगर इसको मैं करूं तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर डैश MN RN स्क्वायर अपॉन कैपिटल N। यदि मेरे पास कितना हो गया, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू MN इक्वल टू M, और कैपिटल M कितने के इक्वल हो गया, MN। नंबर ऑफ पार्टिकल हमने कितने मान लिए, या नंबर ऑफ कण कितने मान लिए, हमने N मान लिए, एक का द्रव्यमान M, तो N कणों का द्रव्यमान MN के बराबर हो जाएगा। तो K का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, K बराबर एम को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डैश डैश RN स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, एम इंटू एन, एम और एम कैंसिल, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आएगा के के इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर क्या बचेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर
डेल्टा एच आर एन स्क्वायर अपॉन एन, ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो मेरे पास एम वन आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन एन, ये मेरे पास विघटन त्रिज्या का मान निकल आता है। इसको नोट करेंगे, ये दोनों टर्म इम्पॉर्टेंट है।